गाइज वेलकम टू टुडे, जो हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना, बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी की मौत पर सेलिब्रिटीज के रिएक्शन के बारे में। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन बीते सोमवार को हुआ। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। प्रणब मुखर्जी की हालात काफी दिनों से खराब थे और उन्हें आर्मी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। वो पिछले कई दिनों से कोमा में थे, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और उनके निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत ने ट्विटर के द्वारा सभी को दी। इसे जानते ही बॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा भूचाल आया। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ ने भी अपनी नम आंखों से सोशल मीडिया पर इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सामने आए। वहीं आपको बता दें, इस लिस्ट में रितेश देशमुख का नाम सामने आया, क्योंकि रितेश ने उनके साथ की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, गहरा दुख हुआ, भारत के लिए एक बड़ा नुकसान। भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी सर को भारत के विकास के लिए, उनके कार्य और योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा, मेरी गहरी संवेदना। इस लिस्ट में अजय देवगन का नाम भी सामने आया, अजय देवगन ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। यही नहीं, आपको बता दें, सुर की कोकिला लता मंगेशकर ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रणबदा मुखर्जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। वो बहुत ही सज्जन पुरुष थे और उनके जाने का दुख हम सभी को है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।